डिग्री कॉलेज में पिछले दो दिन दो रातों से अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर क्रमिक अनशन कर रहे छात्रों की मांग पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ध्यान न दिए जाने पर आज से चार छात्र नेताओं ने डिग्री कॉलेज गेट पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उनकी मांगों पर गौर न किए जाने पर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेताओं के अनुसार वह पिछले दो दिन दो रातों से अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर क्रमिक अनशन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कॉलेज या विश्वविद्यालय प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए बुधवार से चार छात्र नेता भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। अगर उनके स्वास्थ्य पर कोई भी हानि होती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कॉलेज व विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। वहीं उनकी मांगों में बीए, बीएससी व एमकॉम प्रथम वर्ष व अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा की तिथि बदली जाए, छात्रों के लिए बसों का किराया पूर्व की भांति किया जाए, कॉलेज में परीक्षाओं से पहले बॉडी सैनिटाइजर मशीन लगाई जाए। अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। हमारी चार सूत्री मांगे हैं। सबसे बड़ी मांग हमारी छात्र छात्रों का बढ़ता किराया सबसे बड़ी मांग है हमारी, और फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट किया जाए और जल्द से जल्द नए एडमिशन जो हो रहे हैं उनको दिखाया जाए कि जल्द से जल्द उसको परमिशन किया जाए। दो दिन से यहाँ बैठे हुए दो दिन दो रात से यहाँ बैठे हुए और हमारी किसी प्रशासन हमारी तीन सूत्रियाँ मांग हैं जो इस प्रकार हैं। पहली मांग की प्रथम वर्ष की अंतिम वर्ष के छात्र छात्रों की परीक्षा में बदलाव किया जाए या अगर उनके पेपर भी होते तो उन्हें ओपन बुक सिस्टम के हिसाब से पास किया जाए। और दूसरी मांग हमारी है कि छात्र छात्राओं को जो बसों का किराया पूर्व की भांति लिया जाए, जैसा कि अब इस समय कोरोना काल में तीन गुना किराया लिया जा रहा है और बच्चों को याद है कि बहुत परेशानी थी और बसों की पूर्व की भांति व्यवस्था कराई जाए। तीसरी मांग महाविद्यालय में सैनिटाइजर मशीन लगाई जाए, मेडिकल टीम उपलब्ध हो परीक्षा समय। हम आज सुबह से हम चार भाई आमरण अनशन में बैठ गए। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम इसी प्रकार आमरण अनशन में और अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आज भी पूरा आंदोलन।